अस्सलाम वालेकुम, माय नेम फैसल चौधरी। आप देख रहे हैं कार मेंटेनेंस। आज का टॉपिक है कि 2004 मॉडल है करोला गाड़ी। ये पानी में गई थी, कल बारिश हुई है सऊदी अरेबिया में, तो ये पानी में गई थी तो इसका ECU में पानी चला गया है। तो अब मैंने नया लगाया, तो इसका एक तरीकाकार होता है बाईपास करने का। तो उसके अलावा एक दूसरा ऑप्शन होता है कि हम सिक्योरिटी कैसे क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, ये देखिए स्विच ऑन है इग्निशन, तो ये देखिए सिक्योरिटी ब्लिंकिंग कर रही है। तो इसका हम ECU खोल के, पुराने ECU से IC निकाल के तो इसमें लगाएंगे तो गाड़ी सिक्योरिटी क्लियर हो जाएगी। तो सबसे पहले जो दोस्त बाप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्लीज़ प्रेस कर लीजिएगा ताकि नवी नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। हम सबसे पहले आपको पुराना ECU लगा के चेक कराते हैं। ये देखें, ये हमने दूसरा ECU सेकंड हैंड लगा के चेक किया, सिक्योरिटी लाइट आ रही है। ठीक है, सिक्योरिटी लाइट भी आ रही है, चेक लाइट भी आ रही है। ये देखें, अब हम क्या करेंगे, पुराना लगा के चेक कराएंगे आपको। ये इसका पुराना था, मैंने इसको वैसे साफ वगैरह किया है लेकिन इसके ऐसे ही डैमेज हो चुके हैं तकरीबन। ठीक है, पानी चला गया था इसमें क्योंकि बारिश काफ़ी ज़्यादा होती है सऊदी अरेबिया में, तो इसका ECU लगा होता है नीचे, इस वजह से प्रॉब्लम आ जाती है। ये देखें, दूसरा ECU लगाया है, सिक्योरिटी लाइट भी नहीं आ रही और उसके बाद चेक लाइट भी नहीं आ रही, बिल्कुल नहीं आ रही है। नहीं तो अब हम इसके अंदर से IC चेंज करेंगे ताकि हमारी गाड़ी बिना प्रोग्राम के स्टार्ट हो जाए, यानी पुराना ही प्रोग्राम उसमें ऐड हो जाए। तो चलते हैं टेबल पे जी। इसके अंदर ये IC होता है, ठीक है, 2004 मॉडल में। इसका नंबर आपको बता देता हूँ, ये नंबर है इसका 2NZFE, ये नंबर आप देख लें। ठीक है, उसमें ये IC लगा हुआ है। इसको हम क्या करेंगे, इसको ओपन करके तो पुराने में, यानी जो नया हम लेके आए हैं तो उसमें लगाएंगे। ठीक है, आइए आपके सामने लगा के चेक करते हैं, उसके बाद सिक्योरिटी इंशाल्लाह क्लियर होगी। जी IC चेंज हो चुके हैं। अब सबसे पहले मेक श्योर करना है, वैसे तो कोई इशू नहीं आएगा लेकिन फिर भी चेक कर सकते हैं कि इसको कोई फिटिंग में कोई मसला नहीं आ गया, यानी कोई ECU में मसला हो, यानी इंसान है कि गलती से, मतलब वो IC प्रॉपर नहीं बैठा हो, तो इशू आ सकता है। ठीक है, ये इंशाल्लाह फिटिंग, हाथ में रखना, नीचे पानी, नीचे बिल्कुल पानी है, ये नीचे पानी है। अब इसको कवर लगाने से पहले इसको चेक करेंगे। बिस्मिल्लाह, इग्निशन लाइट आ गई, सिक्योरिटी लाइट देखते हैं, सिक्योरिटी लाइट ब्लिंक करती है कि नहीं। ठीक है, इसका मतलब सिक्योरिटी लाइट ओके है। अब इसका स्विच ऑन करके चेक करते हैं कि सिक्योरिटी लाइट चली गई कि नहीं।
सिक्योरिटी लाइट अल्हम्दुलिल्लाह चली गई। अब इसको स्टार्ट करके चेक करते हैं। ये अल्हम्दुलिल्लाह पहली सलम में स्टार्ट होगी गाड़ी, तो अब इसकी हम फिटिंग करके उसको कस्टमर को दे देंगे। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। इस किस्म की वीडियो आपको चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, मेरे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। अगर किसी ने काम कराना है वो भी रब्ता कर सकता है। तो रियाद में मेरी वर्कशॉप है। तो चलते हैं, मिलते हैं नई वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़। अगर आपने देखनी है वीडियो स्कैनिंग